हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन नर्सिंग। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। सो गैमेटोजेनेसिस में दो आएंगे, ओजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। सो उसमें अपन सबसे पहले पढ़ेंगे ओजेनेसिस क्या होता है। सो फर्स्ट देखते हैं अपन इसका कि गैमेटोजेनेसिस होता क्या है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेचुरेशन ऑफ टू हाईली स्पेशलाइज सेल्स स्पर्मेटोजोन्स इन मेल एंड ओवम इन फीमेल बिफोर दे यूनाइट टू फॉर्म जाइगोट इट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। मीन्स क्या है गैमेटोजेनेसिस? मीन्स गैमेट्स का फॉर्मेशन होना। सो मेल्स में गैमेट का मेल गैमेट है स्पर्मेटोजोन और फीमेल में है ओवम। सो उनका मेचुरेशन, उनका जो मेचुरेशन होता है, उनका डेवलपमेंट होता है, उसको बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। सो फर्स्ट आता है इसमें अपन देखेंगे आज ओजेनेसिस क्या है। द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड ओजेनेसिस। मीन्स क्या कि जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है किसकी, मैच्योर ओवम की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होके वो मैच्योर ओवम कैसे बनता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओजेनेसिस। सो इसको अपन देखेंगे एक फ्लो चार्ट से। सो ओजेनेसिस यहाँ पे देखेंगे अपन इसका ओगोनियम कैसे मल्टीप्लाई करता है, फिर क्या होता है। सो बिफोर फीटल लाइफ फीटल बर्थ से, मतलब बर्थ से पहले फीटल लाइफ के टाइम जो फीमेल बेबी है उसकी ओवरी में जो 20th वीक पे क्या होता है 7 मिलियन प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं, ठीक है। वो फिर बर्थ के टाइम पे कितने होते हैं, एट बर्थ होते हैं 2 मिलियन प्राइमरी ओसाइट्स बचते हैं। बट फिर बाद में उसका क्या होता है वो देखेंगे अपन। सो पहले क्या होता है, जो ओगोनियम होता है उसका माइटोसिस होता है। माइटोसिस से क्या होता है, वो 2N में कन्वर्ट होता है, ठीक है। सो माइटोसिस कंप्लीट होने के बाद बनती है प्राइमरी ओसाइट्स, और प्राइमरी ओसाइट्स का मियोसिस होता है, बट वो उससे पहले वो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर अरेस्ट हो जाती है बिफोर बर्थ, मतलब फीटल लाइफ में उसका जो मियोसिस फर्स्ट है वो प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाता है। देन आफ्टर बर्थ टिल प्यूबर्टी देर इज नो मियोसिस कंप्लीट, मतलब मियोसिस कंप्लीट होती नहीं है जब तक प्यूबर्टी नहीं हो। और प्यूबर्टी में जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होती है, सो पहला जो ओवुलेशन होता है, देन फिर प्राइमरी जो फर्स्ट पोलर बर्डी बनती है और सेकेंडरी ओसाइट बनते हैं जब ओवुलेशन होता है, कब, प्यूबर्टी के टाइम पे। सो प्राइमरी ओसाइट किसमें मियोसिस से कन्वर्ट होता है, एक तो पोलर बॉडी बनती है फर्स्ट पोलर बॉडी, और सेकेंडरी ओसाइट बनता है उससे फर्स्ट मियोसिस से जब कंप्लीट होता है तो। सो फर्स्ट मियोसिस जो अरेस्ट हुआ था प्रोफेज फर्स्ट में, वो जाके कंप्लीट होता है फर्स्ट मियोसिस। देन जो सेकेंडरी ओसाइट का सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट तब होता है जब वो स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो, मतलब वो उस एग का फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तब वो उसका जो सेकेंड मियोटिक डिवीजन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। देन वो जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो उसका क्या कन्वर्ट हो जाता है, वो एक जाइगोट में कन्वर्ट होता है, और उसके साथ साथ क्या बन जाती है कि सेकेंडरी पोलर बॉडी जो कि ग्रेजुअली फिर बाद में डाई हो जाती है, मींस वो डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। सो मैंने जो बताया कि अर्ली इन फीटल लाइफ 20th वीक पे जो फीमेल बेबी जो ग्रो कर रहा है उसके अंदर, उसकी ओवरी में 7 मिलियन प्राइमरी ओसाइट्स होते हैं, देन एट बर्थ वो बचते हैं 2 मिलियन प्राइमरी ओसाइट्स बचते हैं, देन फिर बाद में एट प्यूबर्टी जो बताया वो प्यूबर्टी पे 40 लाख प्राइमरी ओसाइट्स बचते हैं, देन जब एट रिप्रोडक्टिव एज इन द होल रिप्रोडक्टिव एज देर इज ओनली 400 प्राइमरी ओसाइट्स दैट ओवुलेट इन देयर पीरियड। मीन्स क्या कि उस पीरियड में जब फीमेल एक ओवुलेट करती है वो अपने रिप्रोडक्टिव एज के अंदर, उसके अंदर उसके ओवरी में 400 प्राइमरी ओसाइट्स ही ओवुलेट होते हैं, ठीक है, जो इतने बचते हैं। सो अपन ने ये देख लिया कि इसका कैसे कैसे होता है, ये ओजेनेसिस होता है। सो ऐसे जाके इसका अल्टीमेटली जाइगोट बनता है। बट इसके साथ, इसके पैरेलल क्या बनेगा कि प्राइमरी ओसाइट्स जब फॉलिकल डेवलपमेंट्स होते हैं, फॉलिकल डेवलपमेंट कैसे, सो फॉलिकल डेवलपमेंट स्टार्टिंग में जब प्राइमरी फॉलिकल्स बनते हैं, ये प्राइमरी फॉलिकल्स कब बनते हैं, बिफोर बर्थ, बर्थ से पहले ये पूरा बर्थ से पहले ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं, ठीक है। देन प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स उसी टाइम पे रहते हैं, देन आफ्टर बर्थ
टिल प्यूबर्टी, प्यूबर्टी तक नहीं होता कुछ भी, देन प्यूबर्टी के बाद बनते हैं ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स थे वो कन्वर्ट होते हैं प्राइमरी फॉलिकल्स में, ठीक है। देन ये प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो करके फिर बनते हैं ये ग्रोइंग फॉलिकल्स बनते हैं, और ग्रोइंग फॉलिकल्स ग्रो करते रहते हैं और फिर ये कन्वर्ट होता है मैच्योर फॉलिकल में, जिसको बोलते हैं अपन ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक है। जब ग्रेफियन फॉलिकल बनता है तो वो उसका ओवुलेशन होता है, तब क्या बनता है, एक ओवुलेशन होने के बाद जो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है जिसको बोलते हैं ओवम, वो बनता है, और जो रेमिनेंट पार्ट होता है जिसका इसका मैच्योर फॉलिकल का, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में, जो कि बाद में जाके प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करता है, ठीक है। ये इसकी एक फ्लो चार्ट से अपन ने इसको समझाया, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब देखते हैं ओजेनेसिस में क्या होता है। द प्रिमेटिव जर्म सेल्स ओरिजिन फ्रॉम द योक सैक एट थर्ड वीक पे जो प्रिमेटिव जर्म सेल्स हैं वो योक सैक से ओरिजिन होते हैं। मीन्स क्या, जो योक सैक होता है वहाँ से जो जर्म सेल्स होते हैं वो थर्ड वीक पे ये जो कि उनका ओरिजिन होता है, ठीक है। जर्म सेल्स अंडरगो माइटोटिक डिवीजन एंड डिफरेंशिएट इनटू ओगोनिया। जो जर्म सेल्स हैं वो उनके अंदर माइटोटिक डिवीजन होता है और फिर वो ओगोनिया में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि द नंबर ऑफ ओगोनिया रीच एट इट्स मैक्सिमम एट 20th वीक। मीन्स 20th वीक पे जो ओगोनियम का जो मैक्सिमम डिफरेंशिएट होके कितने बन जाते हैं, ये 7 मिलियन, जो मैंने अभी पहले बताया आपको 7 मिलियन तक ये बनते हैं, ठीक है। फिर ओगोनियम एंटर इनटू द प्रोफेज ऑफ द फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन। फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन में जो ये ओगोनिया है वो प्रोफेज फर्स्ट में कन्वर्ट हो जाती है, प्रोफेज फर्स्ट में अरेस्ट हो जाती है और उसको बोलते क्या है, उसको बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट। जो ओगोनिया है वो प्रोफेज में अरेस्ट हो जाती है और इसका म्यूटिक डिवीजन है जो मैंने पहले बताया वो प्यूबर्टी में जाके कंप्लीट होता है, पर उसको बोलते हैं क्या है, उस ओगोनिया को बोलते हैं प्राइमरी ओसाइट, ठीक है। अब देखते हैं इसका क्या है कि प्राइमरी ओसाइट्स रिमेन इन द रेस्टिंग फेज। प्राइमरी ओसाइट उस रेस्टिंग फेज में रहती है, किसके अंदर, बिटवीन प्रोफेज एंड मेटाफेज। प्रोफेज और मेटाफेज के फेज में ये वाली स्टेज भी होते हैं, ठीक है। प्रोफेज और मेटाफेज के स्टेज में ये जाके अरेस्ट होती है, रेस्टिंग फेज जिसको बोलते हैं। अब इसके टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्राइमरी ओसाइट एट बर्थ एट अबाउट 2 मिलियन। 2 मिलियन बर्थ के टाइम पे 2 मिलियन इसके टोटल नंबर किसके होते हैं, प्राइमरी ओसाइट 2 मिलियन बचते हैं, ठीक है। द प्राइमरी ओसाइट डू नॉट फिनिश दी फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन अंटिल प्यूबर्टी रीच्ड। जब तक प्यूबर्टी नहीं आती तब तक उसका जो फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन है वो कंप्लीट नहीं होता, फिनिश नहीं होता, ठीक है। अब देखते हैं एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी भी क्या होता है, प्यूबर्टी भी होता है एट प्यूबर्टी सम एट प्यूबर्टी सम 40 लाख प्राइमरी ओसाइट आर लेफ्ट बिहाइंड। मतलब उन सब में जो 7 मिलियन जो ओगोनिया बने थे वो जो कि फिर बाद में प्राइमरी ओसाइट्स बनते हैं 40 लाख में, सो उनमें से कितने बचते हैं, 400 बचते हैं। पहले 40 लाख बनते हैं और उनमें से जो ओवुलेट होते हैं वो बचते हैं 400 ओवुलेट होते हैं, ठीक है, एट रिप्रोडक्टिव एज। अब आती है इसकी सेकेंडरी ओसाइट। द सेकेंडरी ओसाइट कंप्लीट दी सेकेंड म्यूटिक डिवीजन होमोटिपिकल ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन बाय द स्पर्म इन द फैलोपियन ट्यूब। जो सेकेंडरी ओसाइट का जो म्यूटिक डिवीजन है, जो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन है वो कंप्लीट कब होता है, जब ओवम होता है वो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, किसके थ्रू, जो स्पर्म के थ्रू जो फर्टिलाइजेशन हो जाता है, कहाँ पे, फेलोपियन ट्यूब में, तब उसका जो सेकेंड म्यूटिक डिवीजन है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर किसका देखते हैं अपन, इसका ये जो मैच्योर ओवम है उसके स्ट्रक्चर देखते हैं, उसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या है। उसके स्ट्रक्चर में आता है कि जो आउटर जो ये मोस्ट लेयर बनी है उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। ये कोरोना रेडिएटा क्या होता है, जो ये एग होता है उसको नरिशमेंट का
नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, नरिशमेंट का काम करती है, ठीक है। इसके अंदर ये न्यूक्लियस होता है और ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म होते हैं और ये जो बने हैं ये इसको बोलते हैं कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। और इसके अंदर एक विटलाइन मेम्ब्रेन होती है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसी को बोलते हैं विटलाइन, ठीक है। और इससे पहले होती है प्री विटलाइन मेम्ब्रेन, सो इनके बीच में एक प्री विटलाइन स्पेस भी होता है जो अपन जानते हैं, ठीक है। और बाहर जो ये वाली जो लेयर है इसको बोलते हैं जोना पेलोसिटा, जो जेली कॉर्ड की बनी होती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं। सो मैच्योर ओवम इज दी लार्जेस्ट सेल इन दी बॉडी, 130 माइक्रोन इन डायमीटर। जो मैच्योर ओवम है वो लार्जेस्ट सेल है, बॉडी के अंदर सबसे लार्जेस्ट सेल है, जो कि 130 माइक्रोन का इसका डायमीटर होता है, ठीक है। इट कंटेन्स 23 क्रोमोसोम्स, इसके अंदर 23 क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है। द ओवम इज सराउंडेड बाई द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड विटलाइन मेम्ब्रेन। जो ओवम है एक मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है, मेम्ब्रेन जो अभी बताई थी उसको बोलते हैं विटलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। देर इज एन आउटर ट्रांसपेरेंट म्यूकोप्रोटीन एनवलप द कोल्ड दैट कोल्ड जो ना पेलोसिडा। मीन्स क्या कि जो आउटर मेम्ब्रेन जो आउटर में जो आउटर पार्ट है वो म्यूकोप्रोटीन का बना होता है ट्रांसपेरेंट पार्ट, उसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा, ठीक है। अब आते हैं इन बिटवीन द विटलाइन मेम्ब्रेन एंड दी जोना पेलुसिडा। जोना पेलुसिडा और विटलाइन मेम्ब्रेन के बीच में पेरीविटलाइन स्पेस होता है, उसके अंदर उस स्पेस के अंदर जो पोलर बॉडीज बनती हैं वो वहाँ पे रहती हैं, उस विटलाइन मेम्ब्रेन के अंदर रहती हैं, और वो क्या प्रोवाइड करते हैं, नरिशमेंट का को प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्या है कि ऊसाइट रिटेन्स अ कवरिंग ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स नोन एज कोरोना रेडिएटा। मीन्स क्या, जो ऊसाइट है ना उसके चारों तरफ एक ग्रेनुलोसा सेल्स की एक कवरिंग होती है, उसको बोलते हैं कोरोना रेडिएटा, जो अपन ने अभी देखा था कि क्या करती है, वो नरिशमेंट का प्रोवाइड करता है, नरिश करती है, ठीक है। माइटोसिस के अंदर जो फेजेस होती हैं वो ये होती हैं PMAT, ठीक है। इसके अंदर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ठीक है। प्रोफेज में क्या होता है, सिंपल स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती हैं इसके अंदर जो अपन देख सकते हैं, और मेटाफेज के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं वो एक लाइन में आ जाते हैं, लाइनअप हो जाते हैं, और एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, और जो टीलोफेज है उसके अंदर साइटोकाइनेसिस हो जाता है, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है। सो ये अपन ने पूरा देखा ऊजेनेसिस की प्रोसेस क्या होती है, गैमेटोजेनेसिस के अंदर कैसे कैसे इसके जो स्टेप्स होते हैं और कितने ऊसाइट्स बने हैं। सो यहाँ तक आपको कहीं पे भी डाउट हो सो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर अभी तक आपने वीडियो को और ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।